क्या आप यकीन कर सकते हैं कि रद्दी कागज आपको करोड़पति बना सकता है? वो भी इतना बड़ा करोड़पति कि आप 800 करोड़ रुपए वाली एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दे। ये तमाम सवाल आपके जहन में भी आ रहे होंगे, लेकिन ये सच है, ऐसा हुआ है। दिल्ली की रहने वाली एक महिला रद्दी पेपर से हर महीने करोड़ों रुपए की कमाई करती है। इस रद्दी कागज के बलबूते इस महिला ने 800 करोड़ की लागत वाली एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है। कहते हैं ना, मेहनत, लगन और जज्बे से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। और बिजनेस सेक्टर में कई ऐसे उदाहरण हमारे पास मौजूद हैं, जहां छोटी सी शुरुआत से लोग बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसी ही दिलचस्प कहानी है भारतीय मूल की उद्योगपति पूनम गुप्ता की, जिनके दिमाग में आए रद्दी खरीदने के आईडिया ने ऐसा कमाल किया कि आज वो 800 करोड़ रुपए मार्केट वैल्यू वाली कंपनी की मालकिन है। तो चलिए बताते हैं कि आखिर क्या है ये आईडिया और कैसे मिली इस बिजनेस में पूनम को सफलता। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि पूनम गुप्ता है कौन। दरअसल महिला उद्योगपति पूनम गुप्ता दिल्ली की रहने वाली है। उन्होंने यहाँ के लेडी श्रीराम कॉलेज से इकोनॉमिक ऑनर्स की है। फिर MBA करने के बाद उन्होंने नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन उन्हें कहीं सफलता नहीं मिली। फिर साल 2002 में उनकी शादी पुनीत गुप्ता से हो गई, जो स्कॉटलैंड में रहकर नौकरी करते थे। शादी के बाद पति के साथ पूनम भी स्कॉटलैंड चली गई और वहां पर नौकरी की तलाश करने लगी, लेकिन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बीच उनके दिमाग में एक आइडिया आया, वो आइडिया था रद्दी से जुड़ा हुआ। दरअसल पूनम गुप्ता जब नौकरी की तलाश में एक दूसरे ऑफिस में चक्कर काट रही थी, तो उन्हें ज्यादातर ऑफिस में रद्दी के ढेर नजर आए। फिर उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और दिमाग में चल रहे इस रद्दी को रिसाइकलिंग कर नया माल बनाने के आइडियाज पर उन्होंने अपना पूरा फोकस कर दिया। इस बीच पूनम को स्कॉटलैंड की सरकार द्वारा संचालित की जा रही एक योजना के तहत 1 लाख रुपए का फंड भी मिल गया और इस फंड के जरिए ही पूनम गुप्ता ने नौकरी के बजाय अपना खुद का रद्दी का बिजनेस शुरू करने का प्लान तैयार कर लिया। ऐसे ही साल 2003 में, यानी 20 साल पहले, पूनम गुप्ता ने सरकार द्वारा दी गई 1 लाख रुपए की मदद से PG पेपर नाम से रद्दी को रिसाइकल करने वाला अपना स्टार्टअप शुरू किया। रद्दी पेपर खरीदने और उसे अपनी कंपनी में रिसाइकलिंग के जरिए बेहतर क्वालिटी के नए पेपर में तब्दील करके सप्लाई करके उनका ये आइडिया काम आया और इसके साथ ही उनका बिजनेस भी चल निकला। 20 साल के सफर में उन्हें लगातार सफलताएं मिलती रही और 1 लाख रुपए से शुरू हुई उनकी कंपनी आज 800 करोड़ रुपए की बन गई है। शुरुआती दौर में रद्दी खरीदने का पूनम गुप्ता का बिजनेस स्थानीय लेवल पर था। जब डिमांड बढ़ी तो उन्होंने पूरे स्कॉटलैंड में फैला दिया। इन देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों से पीजी पेपर का कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ से पेपर स्क्रैप खरीदे जाते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो पीजी पेपर का कारोबार दुनिया के 60 देशों में फैला है और अब इस कारोबार में पूनम गुप्ता भी काफी बड़ी उद्योगपतियों में शामिल हो चुकी है। तो ये थी पूनम गुप्ता की सक्सेस स्टोरी। अगर आपको हमारी सक्सेस स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़बुक के साथ।